सरकार की फिल्म मद्रास कैफे में लीना ने तमिल विद्रोही का रोल निभाया था। मलयालम दिग्गज एक्टर मोहनलाल की फिल्म रेड चिलीज से 2009 में एक्टिंग करियर का आगाज किया। इसके बाद लीना हस्बैंड्स इन गोवा, कोबरा और बिरयानी जैसी फिल्मों में दिखी। बेंगलुरु में डेंटिस्ट की पढ़ाई को सिनेमा के ग्लैमर की वजह से छोड़ा और फिल्म नाइन में लीना आ गई। लेकिन एक्टिंग की वजह से नहीं, लीना का नाम तमाम दूसरी बातों की वजह से सुर्खियों में रहा। लीना पॉल को 5 सितंबर को मकोका में गिरफ्तार किया गया। 200 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप में लीना के खिलाफ एक कार्रवाई हुई। आरोप है कि लीना ने अपने कुख्यात पार्टनर सुकेश चंद्रशेखर के साथ मिलकर इस वसूली को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से ये कथित वसूली की गई। लीना का पार्टनर सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद है। उस पर चुनाव आयोग को घूस देने की कोशिश करने का आरोप है। चंद्रशेखर ने AIADM के नेता TDV दिनकरन के लिए मिडिलमैन के तौर पर चुनाव आयोग को घूस देने की कथित तौर पर कोशिश की थी। ये घूस देने की कोशिश शशिकला धड़े के लिए 2 पत्तियों का निशान लेने के लिए की गई थी। लीना पॉल को 2013 में भी चंद्रशेखर के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब इन पर चेन्नई के एक बैंक को 19 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा था। तब पहले तो चंद्रशेखर फरार होने में कामयाब रहा था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से 9 महंगी कारें और 81 टॉप मॉडल घड़ियां बरामद की गई थी। तब पुलिस ने कहा था कि चंद्रशेखर खुद को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि का पोता बताकर लोगों को ठगा करता था। उसने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जाल बिछा रखा था। वो लोगों को सरकारी ठेके दिलाने के नाम पर उल्लू बनाता था। हालांकि उस केस में लीना और चंद्रशेखर को बाद में जमानत मिल गई। फिर इन्होंने अपना ठिकाना मुंबई बना लिया। 2015 में ये दोनों गोरेगांव मुंबई से गिरफ्तार हुए। तब इन पर 10 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक ये दोनों लोगों से 5,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक जमा कराने के लिए कहते थे और साथ ही हर महीने 20% रिटर्न का वादा करते थे। दिसंबर 2019 में लीना का नाम फिर कोच्ची में एक ब्यूटी पार्लर शूट आउट को लेकर सुर्खियों में आया। उस केस में कथित तौर पर कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन रवि सूर्या पुजारी को भी शामिल बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा।